दोस्तों एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। इसने पूछा क्या कि यदि 80 चालक और 8 पोल हो तो पोल पिच क्या होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लिखा, तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, पोल पिच, वैल्यू ऑफ पोल पिच। तो पोल पिच का फार्मूला क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पोल पिच निकालने का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू जेड बाई पी। तो जेड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, यह होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, जेड का मतलब होता है, और पी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ पोल, मतलब पोल की संख्या। इस फॉर्मूले हम रख देंगे तो हमारा पोल पिच निकल आएगा। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा कंडक्टर कितना दिया गया है देख सकते हैं, 18 दिया गया है, और नंबर ऑफ पोल कितने दिए गए हैं, 8 पोल 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पोल पिच कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारे पास पोल पिच कितनी होगी, 10। और पोल पिच होती क्या है मैं बताता हूँ।